के चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर विनीता कोठारी ने एक ऐसी क्रांति कर दी जिसके कारण इंदौर के ही नहीं आसपास के इलाकों के हजारों लोगों को रियायती दरों पर मेडिकल जांच का लाभ मिल रहा है। डॉक्टर विनीता कोठारी ने सेंट्रल लैब की स्थापना की और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इंदौर के जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहां पर सेंट्रल लैब की ब्रांच खोली गई है और इन सभी स्थानों पर सभी तरह की जांचों में 20 से लेकर 70% तक की छूट का लाभ मिल जाता है, जबकि बाजार में अन्य जगहों पर पूरी कीमत चुकाकर ही जांच होती है। लेकिन सेंट्रल लैब ने आम आदमी को मेडिकल जांच के मामले में बड़ी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं। सोनोग्राफी से लेकर एक्सरे तक में लगभग 60% से अधिक की छूट मिल जाती है। कई स्थानों पर तो सोनोग्राफी के 1500 से लेकर 2000 तक लिए जाते हैं, लेकिन सेंट्रल लैब में सोनोग्राफी मात्र 600 रुपये में हो जाती है। इसी तरह एक्सरे भी यहां पर 200 रुपये में हो जाता है। डॉक्टर विनीता कोठारी को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा भी उनकी इस अनूठी समाज सेवा के लिए पुरस्कृत किया जा चुका है। डॉक्टर विनीता कोठारी के बारे में कहा जाता है कि वो आम आदमी को सस्ती मेडिकल चिकित्सा कैसे मिले इसके लिए लगातार प्रयास करती रहती हैं। यही वजह है कि सेंट्रल लैब में कुछ ही सालों में अपनी पकड़ बना ली है और हजारों लोगों को मेडिकल जांच में छूट का लाभ मिल रहा है। रामबाग की दादावाड़ी से लेकर शहर भर के कई धार्मिक स्थलों पर सेंट्रल की शाखाएं कार्य कर रही हैं, जहां पर रियायती दरों से जांच हो जाती है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।